उत्तर भारतीय समाज के लोकप्रिय नेता एवं महाराष्ट्र भाजपा के उपाध्यक्ष कृपाशंकर सिंह और उनकी धर्मपत्नी मालती सिंह के जन्मदिवस पर यह देखिए जरूरतमंद 72 महिलाओं को सिलाई मशीन और 72 जरूरतमंद लोगों को हेयर रिंग एंड श्रवण यंत्र का वितरण किया गया। मुंबई के बांद्रा में यह देखिए सादगीपूर्ण ढंग से कृपाशंकर सिंह ने अपने समर्थकों और शुभचिंतकों के साथ 21 जुलाई को सुबह से ही अपना जन्मदिन मना रहे हैं। भारी संख्या में लोग यहां कृपाशंकर सिंह को मिलकर उन्हें शुभकामना संदेश दे रहे हैं और उनके स्वस्थ एवं दीर्घायु की कामना कर रहे हैं। इस अवसर पर महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री चंद्रकांत त्रिपाठी सहित भारी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित हुए। आइए हम आपको सुनाते हैं कृपाशंकर सिंह एवं उनके शुभचिंतकों ने इस संबंध में क्या कुछ कहा। सबसे पहले तो मैं आज के जन्मदिवस से मैं तमाम उन लोगों को प्रणाम करता हूं, उनको साधुवाद देता हूं कि जो दूर दूर से महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश से अलग अलग जगहों से सिर्फ इसलिए आते हैं मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं। मैं उन लोगों के प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर करता हूं। और मेरा जो जन्मदिन है ये मेरी धर्मपत्नी का भी जन्म तारीख एक ही है, तो उन्होंने तय किया था कि आपके जन्मदिन पर और लोग खुश रहना चाहिए, हम खाली परिवार में जन्म नाए कदा पार्टी कर दे वो सब नहीं करते हैं। सिलाई मशीन है, हियरिंग एड से कान सुनने का भी आप देख रहे थे, ऐसे ऐसे बच्चे लोग जो हैं मशीन मिल जाएगा तो अपनी सुन तो सकेंगे, बोल नहीं सकते हैं, ऐसे भी ट्राइबल बहुत हैं, ये डिसेबल लोग जो हैं उनको ट्राई साइकिल अभी आ रहा है। तो हम ये सोचते हैं कि मेरा जन्मदिन जो है उन तमाम लोगों की पीड़ा में अगर हम जन्मदिन मना सकें। अभी मैं अनाथाश्रम जाऊँगा, कुछ ऐसे बच्चे अनाथ बच्चे जिनके साथ मैं खाना खाने वाला आज खाना मैं उन्हीं के साथ खाऊंगा, तो मैं ये चाहता हूं कि मेरा जन्मदिन जो है उन लोगों के साथ बीते और उनसे हमको आशीर्वाद मिले, ये सब काम करने की और शक्ति दें। तो इस पर कानून अपना काम करेगा, मुझे क्या कहना है, इसमें जांच एजेंसी है, जांच एजेंसी अपना काम करती है, उसको अपना काम करने देना चाहिए, उसमें कोई प्रतिक्रिया वक्तव्य देने की जरूरत नहीं, क्योंकि जांच एजेंसी और जांच एजेंसी काम। संजय राउत ने कहा है कि ये कार्रवाई गलत है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सारे आरोप गलत है, हमने कोई घोटाला नहीं किया। नहीं, वो तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जांच एजेंसी बैठी, जांच एजेंसी अपना काम कर रही, कानून को अपना काम करना चाहिए। आज के लिए जो कार्य इनका है सराहनीय है, वही आगे सतत बढ़ता रहे, भगवान से प्रार्थना है कि और ताकत और सामर्थ्य दें, उसी तरीके से समाज की सेवा होती रहे। अक्सर नेता जो होते हैं जन्मदिन के मौके पर बाहर चले जाते हैं घूमने के लिए, लेकिन सर यहाँ पे गरीब महिलाओं को सिलाई मशीन और कान का मशीन बांट रहे हैं, इसीलिए तो हम लोग शुभकामना देने आए हैं, और नेताओं जैसे होते तो थोड़ी आते हैं हम लोग।